नमस्कार, मैं हूं सुबीर रंजन। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। हुंडई वेन्यू और मारुति ब्रेजा को टक्कर देने के लिए फ्रांस की ये नई कार भारत में एंट्री ले रही है। कब होगा लॉन्च, ये हम आगे अपने वीडियो में देखेंगे। आप अगर कोई नई प्रीमियम एसयूवी या सब 4 मीटर एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा चाहते हैं कि जो थोड़ा हटके हो, तो बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। फ्रांस की ऑटो कंपनी ग्रुप पीएसए भारत में अपनी नई कार लॉन्च करने जा रही है। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आप अगर कोई नई प्रीमियम एसयूवी या सब 4 मीटर एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा चाहते जो थोड़ा हटकर हो, तो बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। फ्रांस की ऑटो कंपनी ग्रुप पीएसए भारत में अपनी नई कारों को लॉन्च करने वाली है। मिल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की भारत में पहली कार सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस होंगी, जिसे भारत में आयात किया जाएगा। सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस भारत में प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में अपनी जगह बनाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस एसयूवी को अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। इस कार को टेस्टिंग के दौरान भारतीय सड़कों पर देखा गया है। 3 नई गाड़ियां भारत में लॉन्च होंगी। सिट्रोएन इसके अलावा 3 कारों को भारत में लॉन्च करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सब 4 मीटर एसयूवी, एक सेडान और एक 20 सेगमेंट हैचबैक सहित 3 नई गाड़ियों को 2023 तक लॉन्च किया जाएगा। इन तीनों कारों की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में ही की जाएगी। कॉम्पैक्ट एसयूवी कोडनेम C21 को सिट्रोएन 2021 की दूसरी 6 महीने में लॉन्च करेंगी। इसके अलावा सिट्रोएन भारत में सब 4 मीटर एसयूवी C3 स्पोर्टी को भी लॉन्च करेगी, जो हुंडई वेन्यू, मारुति विटारा ब्रेजा, टाटा नेक्सन, फोर्ड इकोस्पोर्ट और आने वाली किया सोनेट को टक्कर देगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस नई कॉम्पैक्ट एसयूवी को 3 इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा, जिसमें 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल और 1.5 लीटर टर्बो डीजल शामिल होगा। अब इसका प्राइस सेगमेंट क्या होगा? इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स को जोड़ा जाएगा। हालांकि बाद में इसमें एक AMT यानी कि ऑटोमेटिक गियरबॉक्स लाइनअप में भी जोड़ा जा सकता है। हालांकि इन कारों की कीमत को लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ये तय है कि मार्केट में जगह बनाने के लिए कंपनी इनके दाम किफायती ही रखेगी। रिपोर्ट में एक अनुमान के मुताबिक सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस की कीमत 25 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। इसकी वजह भी है क्योंकि भारत तेजी से विदेशी ऑटो कंपनियों के लिए बड़ा बाजार बन रहा है। यहां पिछले साल MG मोटर्स, किया मोटर्स ने अपनी कारें उतारी, अब सिट्रोएन अगले साल भारत आएगी। ऐसे में ऊंची कीमत पर पैर बनाना कंपनी के लिए मुश्किल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सिट्रोएन वेन्यू या विटारा जैसे ही अपने प्राइस को रखने की कोशिश करेगी। इनफैक्ट उसके और भी कॉम्पिटिटर्स हैं, MG हेक्टर और किया मोटर्स की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सिट्रोएन C3 स्पोर्टी एसयूवी को इलेक्ट्रिक वर्जन में भी पेश किया जा सकता है, जिसमें 50 किलोवाट आवर बैटरी का प्रयोग किया जाएगा, जो पूरी तरह से चार्ज होने पर 300 किलोमीटर से अधिक की रेंज देने में सक्षम है। वहीं इसके कम रेंज वाले मॉडल में 37 किलोवाट आवर के बैटरी पैक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर के थ्रू अगर आप एक्सप्रेस करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो देख के पूरा मजा ले लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल के थ्रू ऐसे जो भी लेटेस्ट लीक इन्फॉर्मेशन है उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टे ट्यून्ड। दिस इज सुबीर, साइन ऑफ।